चलिए एक नजर फटाफट खबरों पर। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी की हड़ताल के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देवरिया, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, प्रयागराज समेत कई जिलों में बत्ती गुल हो गई। हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता भी हुई जो असफल रही। समिति ने आज से पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान किया है। चंदौली में भी पिछले विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। विभाग के कर्मचारियों ने जिले के दीनदयाल उपाध्याय नगर के चांदासी स्थित पावर हाउस पर ताला जड़ दिया। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा सरकार ने तानाशाही रवि अपनाते हुए पिछले विभाग के निजी हाथों में सौंपने का जो फैसला लिया वो सही नहीं है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए 59,893 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,82,000 पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,971 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,70,000 के पार। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 510 संक्रमित मामले मिले। 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 51,991। देहरादून में सबसे अधिक 204 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 116, उधम सिंह नगर में 56, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 28 नए मरीज। चमोली में 17, चंपावत में 16, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 12 नए मरीज मिले। कोरोना से अब तक 669 लोगों की मौत। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रनों से मात दी 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। दिल्ली के लिए घातक गेंदबाजी करते हुए कैगिसो रवाडा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट छटके। दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली के बल्लेबाज स्टोइनिस ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली जबकि ऋषभ पंत 37 रन उन्होंने बनाए। पृथ्वी शो 42 रन और शिखर धवन 32 रन की उपयोगी पारी खेली। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। 5 मैचों में 4 जीत के साथ उसके 8 अंक हो गए। मुरादाबाद के पकवड़ा में मुख्तार अब्बास नकवी की किसान चौपाल। स्वतंत्र किसान, सशक्त किसान के नारे के साथ की चौपाल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष किसानों में भय पैदा कर रहा। किसान ही नहीं 130 करोड़ लोगों का सरकार पर भरोसा है। केंद्र सरकार ने बदजुबानी मामलों में 2 आईएएस पर एक्शन के निर्देश दिए। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने की थी दोनों की शिकायत। झांसी पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पहले रेप की बढ़ रही घटनाओं पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, अब कम से कम एफआईआर तो दर्ज हो रही है। बाराबंकी में स्कूल से गायब हुई छात्रा के बरामद शव को पुलिस ने परिवार को बिना बताए जलाया। पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप, उनकी बेटी के साथ हुआ गैंगरेप। बिना बताए अंतिम संस्कार किए जाने के बाद लड़की के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का यह कहना कि बाराबंकी पुलिस की कार्यशैली देखकर उनका विश्वास उठ गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा सरकार अपनी बनाए तिलिस्म में फंसती जा रही है। हाथरस कांड के बाद नहीं थमरा लोगों का गुस्सा। अभद्र व्यवहार करने वाले डीएम के खिलाफ कानपुर में सड़कों पर प्रदर्शन। कानपुर में प्रेस क्लब ने फूंका पुतला। सीतापुर में हाथरस और बलरामपुर की घटना से लोगों में आक्रोश। शिवसेना कार्यकर्ता चूड़ियां लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, जमकर किया प्रदर्शन। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन पर उचित मुआवजा नहीं दिए जाने का आरोप। किसानों ने सरयू में खड़े होकर दिया बड़ा संकल्प। कहा अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हाथरस में रालोद नेता जैन चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा। रालोद पुलिस कार्रवाई को लेकर गुस्से में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। मेरठ कमिश्नरी पार्क में जमा होकर रालोद नेताओं ने अपना विरोध जताया। रालोद नेताओं ने साफ कहा अपनी नाकामी छिपाने को सरकार मामले के में प्रदेश में हिंसा कराए जाने की साजिश जोड़ रही है। लखनऊ में सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे संत हिरासत में बढ़ रहे अपराध को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे संत। पुजारी पुरोहित महासंघ देने जा रहा था ज्ञापन।
बदायूं के सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य ने किसानों की एक गलत फहमी पर बोलते हुए कहा कि असल माने तो किसानों को 2020 में आजादी मिली है। आगरा फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चौहान के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके निवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मीडिया से बातचीत की। हाथरस मामले पर संजीव बालियान ने कहा जिस प्रकार जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ वो इस लाठीचार्ज को ठीक नहीं मानते। हाथरस केस को लेकर कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गाजियाबाद में गांजा तस्करी का खुलासा, केले के पत्ते और सब्जी में छिपाकर लाया जा रहा था 1 करोड़ का गांजा। उड़ीसा से गाजियाबाद लाया जा रहा था गांजा, पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए। ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में अनाज मंडी के पास नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। हाथरस केस के सारे पीएम और सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश का खुलासा, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से बनाई गई वेबसाइट बंद। हाथरस गैंगरेप को लेकर सरकार का बड़ा दावा, विरोध की आड़ में सोशल मीडिया पर देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगे के बाद बचने का तरीका इसमें बताया गया था। यूपी सरकार के हिंसा वाले दावे पर सपा नेता सुनील साजन का सरकार पर हमला, कहा अब तक कहां सो रही थी एजेंसियां, पूरे मामले में जांच करा कर हिंसा की साजिश उजागर करे सरकार। सुनील साजन ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देना चाहती, न्याय की बात करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहा, अपनी नाकामी छिपाना बंद करे सरकार। भीम आर्मी चीफ समेत 400 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा, चंद्रशेखर समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, धारा 188-144 का उल्लंघन करने का आरोप। सासनी कोतवाली में थाना चंदपा में सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी पर भी केस दर्ज। हाथरस के बाद कौशाम्बी में भी किशोरी से गैंगरेप की वारदात, नशीला पदार्थ सुंघाकर युवकों ने अगवा कर किया गैंगरेप। किशोरी के खोजबीन करते परिजन पहुंचे युवक के रिश्तेदार के घर, वहां किशोरी को बनाया गया था बंधक, परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। दरिंदों ने किशोरी के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, सराय अकेल थाना क्षेत्र का ही मामला। बागपत में निजीकरण के विरोध में बिजली अधिकारियों कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। बलिया में पिछले विभाग का संपूर्ण कार्य बहिष्कार से जनता को हो सकती है परेशानी, विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर मशाल जुलूस के बाद ही संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया। मिर्जापुर में बिजली व्यवस्था निजी हाथ में सौंपने के विरोध में ये बिजली कर्मचारी संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने कार्य बहिष्कार किया। देवरिया में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक के साथ किया गया दुर्व्यवहार, युवक के ट्वीट करने पर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने लिया संज्ञान। सिद्धार्थनगर वासियों की करीब 3 दशकों से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग हुई, पूरी मुख्यालय स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन अब सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाएगा। मशहूर सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी की अवानियत, अपनी पत्नी पूजा की लात घूंसों से की बेरहमी से पिटाई, वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के मुरादनगर में मकान की दूसरी मंजिल का बड़ा हिस्सा गिरा, हादसे में 5 लोग घायल, घायलों में 6 साल का बच्चा भी शामिल। भदोही पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 7 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल, 4 बाइक बरामद। गाजियाबाद के विश्वासनगर में कवाड़ के गोदाम और झुग्गियों में लगी आग, आगजनी में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख, 4 साल की मासूम की जलकर मौत, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोंडा में घाघरा नदी में तैरता मिला युवक का शव, 2 दिनों से लापता था युवक, परिजनों में मचा कोहराम, परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। लखनऊ के चिनहट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 25 लाख कीमत की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और चाकू से हमले में 4 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
कानपुर में सख्ती के बाद भी सट्टेबाजी का अवैध कारोबार लगातार जारी है। पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलवाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सटोरियों के पास से 29 लाख रुपए, 6 मोबाइल और एक कॉपी भी बरामद की है। ऑनलाइन साइट के आधार पर सट्टेबाज आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे थे। भदोही में पेड़ से उल्टा लटकता संदिग्ध हालत में मिला व्यक्ति का शव, अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में हाईवे पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में फिरौती लेने से पहले किशोर की हत्या, संदिग्धों से पूछताछ में झाड़ियों से बरामद हुआ शव। अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में महिला से सरिया मारपीट, युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा, महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फरक्काबाद के कादरी गेट मोहल्ले में पति ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था शख्स, मायके से बुलाने पर पत्नी ने मांगे 10,000 रुपए। गाजियाबाद के साहिबाबाद से 4 साल के बच्चे का अपहरण, बच्चे के पिता का आरोप, स्कूटी पर सवार होकर आए 2 युवकों ने किया अपहरण। अपहरण की सूचना पर प्रशासनिक विभाग में मचा हड़कंप, परिजनों की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। काशी में भक्तों की आस्था कोरोना पर भारी, सरकार की ओर से जारी की गई नई एडवाइजरी के बाद मंदिरों के द्वार भक्तों के दर्शन के लिए खुले, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। आज तक भी सोशल डिस्टेंसिंग भूले श्रद्धालु, विशेश्वरगंज के बाबा काल भैरव मंदिर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे लोग। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकोना इलाके में लावारिस साधन में मिली स्कूटी, नेशनल हाईवे 730 के पास मिली चाबी लगी स्कूटी। लखीमपुर खीरी के निगासन वन रेंज में बाघ के हमले से बाइक सवार 2 युवक घायल, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे दोनों। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, बदमाशों के हमले में दरोगा संजीव वर्मा हुए घायल। महाराजगंज के कोचीबार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप, प्रेमी के बुलाने पर मिलने गई थी पीड़िता। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के डस्टबिन में मिले 2 नवजात के शव, महिला अस्पताल की सीएमएस साधना राठौर का बयान, डस्टबिन में भ्रूण को कोई फेंक गया। मेरठ के रेसाड़ी गेट थाना इलाके में मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल, महिला ने घर बुलाकर मंचले को पीटा, मोबाइल पर भेज रहा था अश्लील वीडियो फोटो, पिटाई के बाद मंचले को पुलिस के हवाले किया। कानपुर के रीजेंसी अस्पताल का 3री बार डीएम ने किया निरीक्षण, अस्पताल के कोविड वार्डों का किया निरीक्षण, मरीजों से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच। हमीरपुर में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मियों ने जमकर किया प्रदर्शन, परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ देने की मांग। गाजियाबाद में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मियों का विरोध, नगर निगम मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम का किया घेराव, आरोपियों को फांसी देने की उठ रही मांग। श्रावस्ती में बालू खनन माफियाओं ने निकाला नया तरीका, बैलगाड़ी से बालू खनन कर रातों रात बालू करते हुए डंप, एसडीएम तहसीलदार ने पुलिस के साथ रात में की छापेमारी। डीएम के आदेश पर हुई छापेमार कार्रवाई, 20 बैलगाड़ी के साथ दर्जन भर लोग पकड़े गए, बालू खनन माफियाओं पर कार्रवाई हुई। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में चोरों ने 4 स्कूटी और 1 बाइक को चुराकर हुए फरार, सूचना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बहराइच में हरदी इलाके में पुलिस कस्टडी में घोटाले के आरोपी की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए ट्रामा सेंटर किया गया रेफर, पूछताछ के कुछ घंटों बाद बिगड़ी तबीयत। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली के गांव कासरा में 2 महिलाओं ने आपस में की मारपीट, दोनों महिलाओं में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर मारपीट हुई, बीच बचाव करने आए युवक की भी महिलाओं ने पीटा। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के चांदगंज गार्डन में भू माफियाओं को आतंक, बुजुर्ग महिला की जमीन पर किया कब्जा, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुई बुजुर्ग महिला। भू माफियाओं ने जमीन मालिक बुजुर्ग पर ही दर्ज कराया मुकदमा, भू माफिया जमीन मालिक से मांग रहे थे 10 लाख रुपए।
देहरादून में हाथरस कांड को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का सत्याग्रह, सभी जिला और महानगर मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह किया। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से करवाई जा रही कोविड सैंपलिंग की ड्यूटी, लैब टेक्नीशियन महिला के हैं, दो छोटे बच्चे। कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के लिए लैब टेक्नीशियन और उसके परिवार को जानलेवा खतरे में झोंक रहा। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर धोबी घाट में शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भाई की बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए कर रहे थे परेशान। श्रीनगर के पंपोर में बड़ा आतंकी हमला, सीआरपीएफ के दो जवान शहीद। आतंकी हमले में रायबरेली का जवान शहीद, डलमऊ के अलहोरा के रहने वाले हैं शहीद जवान, मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम। दिया और बाती हम फेम टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में दीपिका सिंह ने अपनी फोटो शेयर की जिसमें बेहद खुश लग रही है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में एक्ट्रेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद वो वापस जबरदस्त अंदाज में लौटते हुए दिखाई दी। मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए तैयार होते हुए नजर आ रही है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई है, हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है। मुंबई में एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। हाल ही में बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर की। मुंबई के स्लम में रहने वाली मनीषा कारवा इंद्रो हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट होफमैन को लेकर काफी सुर्खियों में। मनीषा के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स लगातार बढ़ती जा रहे हैं जिसकी वजह से द स्ट्रीट्स के एक्टर रॉबर्ट बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का शुक्रवार शाम को बेंगलुरु में निधन हो गया। सुशांत के निधन को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, हालांकि अभी तक उनके निधन से पर्दा उठने का नाम नहीं ले रहा। सुशांत सिंह राजपूत के अक्सर पुराने वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म नेल पॉलिश में अर्जुन रामपाल को स्टार्स मानव कौल और आनंद तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। इस बात की जानकारी देते हुए अर्जुन ने बताया था कि मानव के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वे होम क्वारंटीन में चले गए हैं, अब मानव कौल ठीक हो गए हैं। उर्वशी रौतेला एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती है। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खी में छाई रहती हैं। हाल ही में निया शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर डांस करते हुए नजर आ रही है।